माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल क्योंकि विद नाज़रीन सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो व्यूअर्स, चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो सी हमारी रेसिपी है वो है बिरयानी पुलाव। और बिरयानी पुलाव की मज़ेदार सी रेसिपी कैसे बनेगी ये जानते हैं मम्मा से। जी मम्मा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गोश्त है मैंने रखा हुआ धो के, चिकन ये हाँ जी, ये मतलब दही है, ये इमली है, ये हल्दी है एक्स्ट्रा डालने के लिए, ये जीरा है, ये दादरी मिर्च है, नमक। इनकी मिकदार भी आप साथ से बता देना। हाँ जी, एक चम्मच ये है और एक चम्मच ये मतलब जीरे का है, ये अंदाजे से ली है मैंने। एक पाव नहीं, आधा पाव, आधा पाव ठीक है। हाँ जी, ये दो चम्मच है दादरी मिर्च के, एक चम्मच ये है पीसी हुई मिर्च का, ये डेढ़ चम्मच ये है, तो ये एक मसाला ठीक है। और ये चावल हम लोगों ने भिगो के रखे हैं। हाँ जी, ये अब मैं डालती हूँ। तो व्यूअर्स, अब शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। तो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, देखना कि मज़ेदार से जो से बिरयानी पुलाव की रेसिपी है वो कैसे तैयार हो। हाँ जी, ये मैंने लहसुन भी डाल दिया, अच्छी तरह मैं भूनती हूँ। फिर मैं इसमें पानी डाल के ना गलने के लिए रख देते हैं, बाकी बिरयानी का ना काम छिड़का है वो रहता है वो भी कर लेते हैं। क्योंकि बिरयानी का काम ज़्यादा होता है ना, मसाला करना होता है, तो इसलिए ना थोड़ा सा देर हो जाती। मैंने कहा प्याज पहले रख देती, इसलिए बिरयानी तो सारे शौक से खाते हैं, बड़े भी छोटे भी बच्चे भी। काफ़ी दिन हो गए बिरयानी नहीं पकी ना, इसलिए बच्चे कह रहे थे बिरयानी पका के दो हमें, तो मौसम भी काफ़ी ठंडा हो रहा है इसीलिए पकी नहीं थी काफ़ी देर से। आज मैंने ना पका के दे रही हूँ, सर्दी बहुत है आज, 5 मिनट हो गए घूमते हुए। तब मैं ना इसमें ना पानी डालती हूँ गलने के, बस हमने इसे ना गलने के लिए रख देते हैं। आज मैंने रखे थे ना उसमें ना ये मैं डाल रही हूँ मुर्गी। तो यहाँ पे हम जो सा है वो बिरयानी पुलाव का मसाला तैयार करेंगे। तो चिकन हम लोगों ने डाल दिया है और अब इसको हम बनाते हैं और आपको दिखाते हैं। दही डाल दिया मैंने और मैं मसाले डाल रही हूँ। तो देखो, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज की जो सी हमारी रेसिपी है वो है बिरयानी पुलाव। और जो मतलब पुलाव बिरयानी या बिरयानी पुलाव की रेसिपी कैसे तैयार होगी वो आज हम आपको सिखा रहे हैं, क्योंकि आप लोग पुलाव भी बनाना सीख चुके हैं हमारे चैनल पे और बिरयानी भी सिखा चुके हैं, लेकिन आज हम दोनों चीज़ों के जो सा मिक्सअप है वो आपको सिखा रहे हैं। तो व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी जो सी रेसिपी अच्छी लगेगी। तो अब मम्मा ने इसके अंदर तमाम से स्पाइसेस डाल दिए हैं, दही भी डाल दी है हम लोगों ने, अच्छी तरह से इसको हम लोग भून रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है, देखिए माशाल्लाह कलर भी इसका चेंज हो गया है। तो जितना अच्छा हमारा मसाला बना होगा उतने ही अच्छे जो से हमारे पुलाव बनाने की रेसिपी है वो तैयार होगी। तो मम्मा, अब हम लोग मतलब फर्दर क्या करेंगे, इसको हम पकाने के मतलब ढक कर रख देंगे या क्या करेंगे अब हम लोग? अब ये मसाला का थोड़ा सा पानी पकाते हैं। पक रहे हैं, इमली भी डाल दी है और लास्ट में हम लोगों ने इमली भी डाल दी है। ये देखें घी भी आ गया इसका, माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल देखो जैसी जो सी खुशबू आ रही है वो मसाले से। हाँ जी, अब ये हमारा तैयार हो गया, देखें घी भी आ गया इसके ऊपर, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा लुक आ रहा है, कितना खुशगवार खिला खिला सा कलर है इसका सालन का। अब चावल उबाल के ना तैयार जमाते हैं।
जी। तो व्यूवर्स यहाँ पे हम लोगों ने जो से चावल हैं, क्योंकि आज की हमारी रेसिपी है बिरयानी पुलाव, चावल जो से हमने वो पकने के लिए रख दिए हैं, वही एज यूजल हम लोगों ने इसके अंदर एक चम्मच जो से नमक डाला है और एक कनी रख के हम इन चावलों को उबालेंगे। पानी पकते में हम लोगों ने चावल शामिल करने हैं, उससे पहले आप लोग ठंडे पानी में चावल नहीं डाल लें। तो पानी को जब उबाला आ गया था तो हम लोगों ने जो से इसके अंदर वो चावल शामिल कर दिए हैं। तो अब चावल इसके अंदर जो से है वो पक रहे हैं, तो थोड़ी सी जब एक कनी रह जाएगी इसके अंदर तो हम लोग इन चावलों को जो से है वो निचोड़ लेंगे और फिर जो से हमारी बिरयानी पुलाव की रेसिपी है वो हम लोगों ने मसाला जो सा पहले तैयार कर दिया है उसकी हम लोग तहें लगा देंगे। तहें लगाने के बाद देखेंगे जो उसका फाइनल लुक क्या होगा और बहुत ही मज़ेदार सी ये जो आज की बिरयानी पुलाव की रेसिपी तैयार होने वाली है। तो व्यूवर्स आप लोगों ने कहीं जाए वीडियो को पूरा देखना है कि मज़ेदार से जो पुलाव बिरयानी की रेसिपी है वो कैसे तैयार होगी, हमें अपनी फीडबैक देनी है और अगर कोई आप रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आप लोगों की रिक्वेस्ट पूरी करेंगे और जो जो हमारे बहन भाई हमसे रिक्वेस्ट करते हैं उनकी रिक्वेस्ट को पूरा भी कर रहे हैं। तो व्यूवर्स आप लोगों ने हमारे साथ जुड़े रहना है और हमें अपनी इसी तरह फीडबैक देते रहें। ये तो व्यूवर्स चावल जो से हम लोगों ने वो निचोड़ लिए, देखिए माशाल्लाह कितने खिले खिले से चावल हैं। तो अब हम लोग इसकी तहे लगा रहे हैं। देखिए गर्मा गर्म जो सी हमारी आज की रेसिपी है बिरयानी पुलाव की वो तैयार हो रही है जी। तो चावल हम लोगों ने निचोड़ लिए, कनी रख के हम लोगों ने इसको बना लिया चावलों को और अब तहें लगाएंगे हम लोग और उसके बाद जो सी हमारी आज की रेसिपी है वो फाइनल हो जाएगी। सालन देखा आपने, दिखाया माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा जबरदस्त है इसका लुक आ रहा है। हाँ जी, इतना खिला खिला सा कलर है। तो व्यूअर्स अब आप लोग बआसानी घर में बिरयानी पुलाव की रेसिपी तैयार कर सकते हैं, अब आपको बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं है। हमने घर में ही आपको इसकी रेसिपी शेयर कर दी है, सिखा दी है आपको। तो आप लोग बिरयानी पुलाव की रेसिपी को बनाएं और इंजॉय करें और सर्दियों के सीजन में मतलब ऐसी गर्मा गर्म चीज़ें जो उसमें वैसे बहुत अच्छी लगती हैं। तो अब हम इसके ऊपर तहर लगाते हैं। हाँ जी, तो व्यूअर्स हम लोगों ने यहाँ पर तहर लगा ली है। अब लगाने के बाद हम लोगों ने जो उनसे इसके फूड कलर जब तक का रंग है वो भी हम लोगों ने शामिल कर दिया है। तो मामा अब हम लोग इसको दम पर रख देंगे। हाँ जी, 10-15 मिनट के लिए दम पे। तो व्यूअर्स इसको हम लोग दम पर रख रहे हैं, तो फिर इसके बाद जो उनसे बिल्कुल फाइनल हो जाएगी। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें कितना प्यारा कलर आया है और खुशबू का तो क्या ही कहना, कितनी मज़ेदार कितनी ज़बरदस्त आ रही है। तो अब इसको हम डिश आउट कर रहे हैं। तो आज की जो सी हमारी रेसिपी है बिरयानी पुलाव की वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जो चिकन है वो भी गल गया है और हम लोगों ने जो सी है स्पाइसेस वो भी बहुत नॉर्मल से रखे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं, क्योंकि पुलाव भी है तो फिर पुलाव के हवाले से इतने ज़्यादा स्पाइसेस नहीं ऐड किए जाते। तो अगर सिर्फ बिरयानी हो तो वो फिर ज़रा ज़्यादा स्पाइसी होती है। तो इस चीज़ का भी थोड़ा ख्याल रखा गया कि पुलाव जो पुलाव बिरयानी है उसके अंदर जो स्पाइसी था वो भी सही हो और मज़ेदार सी जो है बिरयानी उसका भी फ्लेवर है। ये ले बेटा। तो व्यूवर्स ये है हमारी आज की जो सी रेसिपी, उसका फाइनल लुक ये देखें व्यूवर्स, ये है पुलाव बिरयानी की रेसिपी। तो व्यूवर्स उम्मीद करते हैं कि आपको जो सी हमारी आज की रेसिपी है पसंद आएगी। पसंद आए तो हमें अपनी फीडबैक दें, इसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो व्यूवर्स अब आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, हम आपके लिए दुआ गो हैं, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।